हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। ठीक है, ए एंड एन का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कितने अल्फाबेट्स होते हैं? अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। और उनमें से अल्फाबेट के लेटर्स में से 5 होते हैं वॉवल्स। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ये होता है हमारे वॉवल्स। और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए यू। ओके, जो वर्ड्स इन वॉवल्स से शुरू होते हैं, जैसे एप्पल, ईगल, आइसक्रीम, आउल, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न नहीं आएगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। जो वर्ड्स इन वॉवल्स से शुरू होते हैं, किससे शुरू हो रहा है? ए ई आई ओ यू। तो इनसे पहले हम ए नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? एन। एन एप्पल, एन ईगल, एन आइसक्रीम, एन ऑउल, एन अम्ब्रेला। ठीक है, इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और जो वर्ड्स इन कॉन्सोनेंट से शुरू नहीं होते, वॉवल्स से शुरू नहीं होते, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम लगाएंगे ए। जैसे बैट, कैट, रैट, बुक, फैन, टेबल, चेयर। इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? ए। अ बैट, अ कैट, अ रैट, अ बुक, अ फैन, अ टेबल, अ चेयर। इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? ए। लेकिन कुछ वर्ड शुरू तो होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड आती है वॉवल की। जैसे ऑनर, साउंड किसकी आ रही है? ओ की। तो हम क्या लिखेंगे? एन ऑनर। ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अ ऑनेस्ट मैन नहीं लिखेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्यों? क्योंकि ये शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, लेकिन साउंड इनमें वॉवल की आ रही है। अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने यूनिकॉर्न हटा दिया था। यूनिकॉर्न मैंने क्यों हटाया था? क्योंकि यूनिकॉर्न शुरू तो होता है वॉवल से, लेकिन साउंड आती है कॉन्सोनेंट की, तो उसमें लिखेंगे हम आ यूनिकॉर्न। देखा फर्क क्या है? जब आपका वर्ड शुरू भी कॉन्सोनेंट से हो रहा हो और साउंड भी कॉन्सोनेंट की आ रही हो, तब तो आप लगाएंगे ए। जब वॉवल से शुरू हो रहा हो, वॉवल की ही साउंड आ रही हो, तो हम लगाएंगे एन। लेकिन अगर शुरू कॉन्सोनेंट से हो रहा है और साउंड वॉवल की आ रही है, तो हम लगाएंगे एन। और ऐसे ही जब शुरू वॉवल से हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो हम लगाएंगे ए। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ये हम गलती कर देते हैं। ठीक है, कि चलो ठीक है, उससे शुरू हो रहा है वॉवल से, तो चलो फिर सब में एन लग जाएगा, सब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, चलो ए लग जाएगा। लेकिन आपको साउंड पर भी ध्यान देना है। यही आपको इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि साउंड किसकी आ रही है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आप ए लगाएंगे, वॉवल की साउंड आ रही है तो आप एन लगाएंगे। ठीक है, ओके। कुछ ऐसे ही और वर्ड्स देख लेते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन साउंड वॉवल की आती है।
ऑनरेबल, ये शुरू हो रहा है एच से, पर साउंड किसकी आ रही है? ओ की। तो हम क्या लगाएंगे? एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल मैन, आर। शुरू एच से होता है लेकिन हम बोलते हैं आर, तो क्या होगा? एन आर। ऑनर, एच से हो रहा है लेकिन हम लगाएंगे एन, क्योंकि साउंड एच की आई, एफबीआई एजेंट। एफ नहीं बोलते हम, एफबीआई नहीं, एफबीआई एजेंट। तो ए की साउंड आ रही है, एन एफ बी आई एजेंट। ऑनेस्ट मैन किससे शुरू हो रहा है? एच से, पर साउंड आ रही है वॉवल की, ओ की। तो हम क्या लगाएंगे? एन ऑनेस्ट मैन। अब ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शुरू तो होते हैं वॉवल से लेकिन साउंड आती है कॉन्सोनेंट की। जैसे मैंने अभी आपको बताया यूनिकॉर्न, तो इससे पहले क्या देखेंगे? यूनिट। शुरू यू से हो रहा है पर साउंड आ रही है वाई वाली, यूनिट। ठीक है, वाई को, यू की साउंड क्या होती है? अ। लेकिन यू की यहां पर क्या साइन आ रही है? वाई वाली, यू। तो हम क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। यूरोप, यूरोप नहीं होता, यूरोप। यूरोप में क्या साउंड आ रही है? फिर से वही साउंड आ रही है यू की। तो हम क्या लगाएंगे? ए। है वॉवल लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, यूनिवर्सिटी। तो ए यूनिवर्सिटी, आई गो टू अ यूनिवर्सिटी। आई गो टू एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, आई गो टू अ यूनिवर्सिटी। अ, क्योंकि साउंड यू की आ रही है, वाई वाली साउंड आ रही है। वाई की साउंड क्या आती है? य। तो वाई की साउंड आ रही है य। फोनेटिक साउंड इसीलिए आपको समझाई जाती है, क्योंकि फोनेटिक साउंड से अब आपको समझ में आएगा कि कैसे इनमें फर्क हुआ। यूनिकॉर्न मैंने अभी आपको बताया ही था, अ यूनिकॉर्न। ऐसे और भी थोड़े से वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बता दिए हैं और अब आपको समझा दिया है कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना कि कॉन्सोनेंट है या वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। आपको इस पे ध्यान देना है कि साउंड किसकी आ रही है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो आप ए लगाएंगे, वॉवल की साउंड आ रही है तो आप एन लगाएंगे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके बाय। और कैसी लगी मेरी वीडियो ये बताना जरूर मत भूलना। ओके बाय।